छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने गोबर खरीदी के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जिसके पास मवेशी कम है उन्हें ज्यादा भुगतान किया गया है, तो कहीं गोबर कम खरीदा गया है और भुगतान ज्यादा किया गया है, गड़बड़ी हुई है, जाँच कराएंगे क्या। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जारी की गई राशि की जानकारी दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि चारा कम खाए हैं, गोबर ज्यादा कैसे दिए, किस नस्ल की गाय और भैंस है इसकी जांच करानी होगी। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रश्न संदर्भ समिति इसकी जांच करेगी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति भी दे दी है। चेहरे की बात आई है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोबर की बात भी करना चाहूंगी। गोबर खरीदी के लिए सरकार ने अलग से कोई मद रखा है या फिर जो जानकारियां यहाँ पे दी गई थी अलग अलग रखा है, या बजट में स्पेशल इसके लिए कोई अलग से मद रखा गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गोठान समिति है उसके माध्यम से ही गोबर खरीदी का मद रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठान समितियों को क्या अलग से पैसा सरकार देती है क्या कि आपको गोबर खरीदने के लिए, या फिर किस मद से दिया जाता है? इसके लिए अलग से मद है गोबर खरीदी के लिए, उस मद से उनको पैसा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक जानकारी दिया गया है कि 30,000 तक का भुगतान किसी भी हितग्राहियों को नहीं किया गया है, और हितग्राही के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि हमारे पास जितनी मवेशी है उसके आधार पर हम उतना गोबर उत्पादन गोबर नहीं है हमारे पास, लेकिन भुगतान का अगर सूची देखें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जितने मवेशी लोगों के पास नहीं है उससे ज़्यादा गोबर बेचने का और खरीदने का मामला है, और उसको भुगतान भी उसी तरीके से किया गया है। तो जिस तरीके से माननीय अजय चंद्राकर जी के प्रश्न को लेकर समिति से जांच कराने की बात की गई थी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी अध्यक्ष, जानकारी देना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, एक हितग्राही जिसके पास 10 मवेशी है वो खुद कह रहा है कि मैं 52,000 किलोग्राम गोबर ही मेरे पास उपलब्ध था, लेकिन जब वहाँ पे जो खरीदी दर्शाई गई है अध्यक्ष महोदय, वो 5,44,923 किलोग्राम गोबर की खरीदी। इनका मूल प्रश्न ये है, चारा कम खाए गोबर ज्यादा कैसे दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव में विधानसभा में कुल 96,959 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, और उस गोबर खरीदी के अगेंस्ट में 21-22 में 60 लाख रुपए, 21-22 में 57,62,000 रुपए, और 22-23 में 75 लाख, इस प्रकार कुछ कुल 1,93,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है। वही तो प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके पास मवेशी कम है उसको जो राशियां प्रदान की गई और गोबर ज्यादा खरीदी गई है, क्या इसका जांच समिति से कराएंगे क्या, क्योंकि दारू का पैसा कहाँ कहाँ पे पहुंचा है वो तो सबको पता है। गोबर का पैसा किस नस्ल की गाय भैंस है उसकी जांच कराना पड़ेगा। गंभीर प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है ये, क्योंकि संबंधित मुद्दा है, चारे का है, चारे के भुगतान का है, गोबर का है, तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रश्न संदर्भ समिति को आप संदर्भित करने वाले हैं उसमें आप ये गोबर के प्रश्न को भी जोड़ लेंगे। पुन्नूलाल मोहले जी।